नमस्कार, आप देख रहे हैं DTNRST। लोकसभा प्रत्याशी पंचा भाई सामाजिक में फैले असमानता को देखकर मुद्दा उठाया। भागीदारी पार्टी भी एक समान हिस्सेदारी दिलाने का काम करेगी। आज हर वर्ग का पढ़ लिख कर बेरोजगार दर दर भटक रहा है, इसलिए सभी भाई बहनों से राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव महेश चंद्र प्रजापति जी ने जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ। पंचा भाई प्रजापति लोकसभा सांसद प्रत्याशी बांदा चित्रकूट, पेश एक रिपोर्ट। परास्नातक तक की शिक्षा यानी PG से लेकर MA तक की शिक्षा किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, अगर वह गरीब है तो उसके बेटा बेटी को फ्री शिक्षा देने का काम किया जाए। बाबा साहब BR अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि यदि कोई चीज निःशुल्क में देना है तो शिक्षा दीजिए। आप बताओ, अगर देश में PG से लेकर MA तक की शिक्षा निःशुल्क कर दिया जाए तो बोला सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा? 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्राथमिक PG से लेकर BA तक की शिक्षा, MA की नहीं, BA तक की शिक्षा हम निःशुल्क में देंगे। क्या सरकार ने देने का काम? हमारे पार्टी के प्रत्याशी भाई पंचा जी को साथियों ने मेहनत तो बहुत किया, लेकिन मेहनत हम लोगों की रंग नहीं लाई। क्यों? जैसा कि मुझे उम्मीद था कि कम से कम यहाँ जगह 250 लोग एकत्रित होंगे। हमने इसके पहले आपके चित्रकूट में बहुत कार्यक्रम किया। एक कार्यक्रम मुख्यालय पर किया था, शायद आप लोगों को याद होगा, क्योंकि उस कार्यक्रम में नहीं होगा। और रोड के बगल ग्राउंड है, वो जो इलाहाबाद का रूट है उसके बगल में ही है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ जो भी पदाधिकारी आए हैं, देखिए मैं आप लोगों से केवल 3-4 मुद्दों पर वार्तालाप करना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई देखो, देश को आजाद हुए 76 साल हो गया और आजादी के 76 साल से आप लोगों ने कांग्रेस की लंबे समय तक सरकार बनाया, सपा की 4 बार सरकार बनाया, बसपा की 4 बार सरकार बनाया और भाजपा की सरकार बनाकर देख रहे हैं। बोला देख रहे हैं ना, जिनको आप लोगों ने वोट देकर लखनऊ की महापंचायत में भेज लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, अभी तक 22 प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 50 सीटों पर हम लोग उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। आपका पड़ोसी राज्य बिहार है, 40 सीट है, 20 सीटों पर वहां लड़ रहे हैं। 5 प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है। उसी से सटा हुआ झारखंड है, 14 लोकसभा सीट है, 13 सीट पर लड़ रहा हूं, 6 प्रत्याशियों की सूची वहां जारी हो चुकी है। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है, 10 सीटों पर लड़ रहा हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, भारत के कई राज्यों में भागीदारी पार्टी एक बड़ा खेला करने जा रही है।